हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं सोलर क्लैब। मेरे पीछे आपको एक कंपनी का नाम दिखाई दे रहा होगा, UTL सोलर। इंडिया की काफ़ी बड़ी कंपनी है ये। इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बहुत पॉपुलर हैं। इन्वर्टर बनाते हैं ये, बैटरी बनाते हैं, सोलर पैनल्स ये बनाते हैं, और इनका अपना एक खुद का UTL सोलर शॉपी का काफ़ी एडवांस नेटवर्क है। और आज जहाँ पर आप ये जगह देख रहे हैं मेरे पीछे, ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ग्रेटर नोएडा में। और आज हम ग्रेटर नोएडा आए हुए हैं। यहाँ पर ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद का इन्वर्टर मैन्युफैक्चर करते हैं, लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चर करते हैं और सोलर पैनल भी मैन्युफैक्चर करते हैं। तो हम सारी चीज़ें एक एक करके देखेंगे और आज की इस वीडियो में मैं आपको सोलर पैनल की कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं, कैसे कैसे उनको असेंबल किया जाता है और एक प्रॉपर पैनल बन के रेडी होता है जिसको आप अपने घरों पर इंस्टॉल करते हैं। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। एक सोलर पैनल आपको सामने से कुछ ऐसा दिखाई देता है, लेकिन इसके सारे कंपोनेंट्स को अलग किया जाए तो सबसे पहले बैक साइड में एक पॉलीमर शीट होती है, उसके ऊपर EVA फिल्म लगाई जाती है, उसके ऊपर सोलर सेल्स असेंबल्ड होते हैं, उसके ऊपर फिर से EVA फिल्म आती है और सबसे ऊपर आता है टफन ग्लास। और इस पूरे सेटअप को एक फ्रेम के अंदर रखा जाता है और तब हमें दिखाई देता है एक सोलर पैनल। ये तो था एक सिंपल सा तरीका सोलर पैनल्स को समझने का। अब चलिए लाइव देखते हैं कि कैसे ये पूरा प्रोसेस एग्जैक्टली किया जाता है। सबसे पहले जितना भी रॉ मटेरियल होता है सोलर पैनल बनाने के लिए, चाहे सोलर सेल्स हो, ग्लास हो, EVA फिल्म हो या कुछ और हो, इन सब को रेडी करवा कर असेंबली लाइन के पास रख लिया जाता है। इसके बाद असली काम शुरू होता है। सोलर पैनल बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है सोलर सेल। इंडिया में ज़्यादातर सोलर सेल्स बाहर से इम्पोर्ट कराए जाते हैं। ये इस तरह से एक बड़े बॉक्स के अंदर पैकेट्स में मिलते हैं। इस एक बॉक्स में 12 पैकेट्स हैं और हर पैकेट में 120 सोलर सेल्स हैं, यानी इस पूरे बॉक्स में 1440 सोलर सेल्स हैं। इन सेल्स को काफ़ी ध्यान से इस बॉक्स से निकाल कर इस मैगजीन में लोड कर दिया जाता है और इस मैगजीन को इस मशीन के अंदर रख दिया जाता है। इस मशीन का नाम है स्ट्रिंगर मशीन और ये सेल्स की स्ट्रिंग बनाकर रेडी करती है। आपको बता दूं कि चाहे आपको छोटा पैनल बनाना हो या बड़ा पैनल बनाना हो, पॉली सेल्स का यूज़ करना हो या फिर मोनो का या फिर किसी दूसरे टाइप्स के सेल्स का, मशीन यही सेम यूज़ होगी और प्रोसेस भी सेम रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मशीन के रोबोटिक आर्म्स सोलर सेल्स को पिक करके इस कन्वेयर बेल्ट पर रख रहे हैं और साथ में ये मशीन रिबन्स की एक लेयर इन सोलर सेल्स के ऊपर लगा रही है। आगे जाकर ये मशीन इस रिबन को सोल्डर कर देती है इन सोलर सेल्स के साथ और जितने सेल्स की स्ट्रिंग आपने सेट करी है उतने सेल्स के बाद वो स्ट्रिंग को कट कर देती है। जितने सेल्स की आपको स्ट्रिंग चाहिए वो सब ये मशीन आपको प्रोवाइड करके देगी। ये कंप्यूटराइज्ड मशीन है, कंप्यूटर की मदद से इसमें आपको अपनी रिक्वायरमेंट सेट करनी होती है और फिर ये ऑटोमेशन पर अपना काम स्टार्ट कर देती है। एक बार स्ट्रिंग रेडी हो जाती है तो फिर पहले इसका विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है ये देखने के लिए कि स्ट्रिंग में कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है, और फिर ये रोबोटिक आर्म्स इन सोलर स्ट्रिंग्स को आगे डिलीवर कर देते हैं। इस मशीन के परपेंडिकुलर एक दूसरी असेंबली लाइन चल रही है जिसमें टफन ग्लास को लोड किया जाता है। और उसके ऊपर एक EVA फिल्म लगाई जाती है और इस सेटअप को आगे भेज दिया जाता है। अब इस पॉइंट पर सोलर सेल्स की स्ट्रिंग को वन बाय वन करके इस टफन ग्लास और EVA फिल्म के ऊपर प्लेस किया जाता है। ये काम भी पूरा एक रोबोटिक आर्म द्वारा किया जाता है क्योंकि यहाँ पर सेल प्लेसमेंट की एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 72 सेल्स का ये पैनल बन रहा है, तो इसमें 12 सेल्स की 6 स्ट्रिंग्स लगाई गई हैं। और अब ये जो पार्शियल सोलर पैनल बने हैं इनका स्टैक बनाकर रेडी किया जाता है जहाँ से ये आगे जाएंगे और अलग अलग टीम्स मैनुअली इन पर काम करेगी। सबसे पहले जो पहली टीम होती है वो यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट टेप लगाती है ताकि ये सेल्स की स्ट्रिंग अपनी जगह से हिले नहीं। ये टेपिंग का प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से और आगे लेमिनेशन होने तक काफ़ी सारा काम होगा और अगर ये सोलर सेल की स्ट्रिंग अपनी जगह से हिलती है तो फिर दिक्कत आ सकती है। इसके बाद ये पैनल दूसरी टीम के पास जाते हैं जो इनकी स्ट्रिंग्स के बस बार्स को सोल्डर कर देती है। इस
इसके बाद ये पैनल नेक्स्ट टीम के पास जाता है, जो सोल्डरिंग होने के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल बचता है उसको रिमूव करती है। फिर ये पैनल जाता है नेक्स्ट टीम के पास, जो RFID टैग और ब्रांड लोगो लगाती है और फिर इसको आगे भेज देती है। और फिर ये पैनल जाता है इस कन्वेयर बेल्ट की लास्ट टीम के पास, जो इसके ऊपर एक और EVA फिल्म लगाती है और उसके ऊपर पॉलीमर शीट प्लेस करती है। और उसके ऊपर पैनल का बारकोड लगा देती है। इस बारकोड की मदद से इस पैनल से रिलेटेड सारा डेटा अब आगे चलकर कंप्यूटर में फीड होना शुरू हो जाएगा। ये सारा काम अलग अलग टीम्स इसलिए करती हैं ताकि प्रोसेस फास्ट हो जाए और कम समय में ज़्यादा सोलर पैनल्स रेडी कर लिए जाएं। अब ये पैनल रेडी है लेमिनेशन के लिए, लेकिन उससे पहले एक इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस टेस्ट होता है, जिसे शॉर्ट में EL टेस्ट भी कहते हैं। ये मशीन सोलर सेल्स में कोई छोटा सा भी माइक्रो क्रैक होता है जो आपको नॉर्मली अपनी आंखों से नहीं दिखता, तो उसको भी आइडेंटिफाई कर लेती है। और ये टेस्ट इस स्टेज पर आकर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बाद पैनल लेमिनेट हो जाएगा और अगर लेमिनेट होने के बाद ऐसा कुछ पता चलता है तो ये सारा रॉ मटेरियल और टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर किसी पैनल में कोई इशू आता है तो उसको यहीं से वापस भेज दिया जाता है करेक्शन के लिए। एक बार जब ये EL टेस्ट हो जाता है तो अब ये पैनल्स रेडी हैं लेमिनेशन मशीन में जाने के लिए। यहाँ पर फिर से इन पैनल्स का स्टैक रेडी किया जाता है, क्योंकि इस मशीन में एक बार में 5 सोलर पैनल्स एक साथ अंदर जाते हैं। इस लेमिनेशन मशीन में 14 से 15 मिनट लगते हैं पैनल को लेमिनेट होने में। लेमिनेशन प्रोसेस तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट्स लेमिनेट करते हैं सेम उसी तरह से ये प्रोसेस होता है, बस यहाँ पर काफ़ी एडवांस मशीन यूज़ होती है। लेमिनेशन के बाद जब ये पैनल्स मशीन के दूसरी तरफ से बाहर आते हैं तो उस वक्त इनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि लेमिनेशन एक हीट वाला प्रोसेस है, तो वहाँ पर फैंस लगे होते हैं जो इन पैनल्स को कूल डाउन करते हैं। तो 2 से 3 मिनट के लिए ये पैनल्स वहाँ पर होल्ड किए जाते हैं। इसके बाद इन पैनल्स को आगे भेजा जाता है ट्रिमिंग के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेमिनेशन के बाद काफ़ी एक्स्ट्रा मटेरियल साइड में निकला हुआ है, तो उस मटेरियल को ट्रिम कर दिया जाता है और ये प्रोसेस भी मैनुअल होता है। इसके बाद इस पैनल को नेक्स्ट मशीन पर भेज दिया जाता है, जहां पर इसका विजुअल इंस्पेक्शन होता है। यहां पर इंस्पेक्शन के लिए एक चेकलिस्ट होती है और उस चेकलिस्ट के हिसाब से एक एक चीज़ चेक करी जाती है, और जब यह पैनल इंस्पेक्शन टेस्ट पास करता है तो इसको आगे भेज दिया जाता है। यहां से स्टार्ट होता है इसका फाइनल असेंबली प्रोसेस। सबसे पहले यहाँ पर फ्रेम के पीसेज रेडी किए जाते हैं उसी साइज़ के जिस साइज़ का सोलर पैनल है, और उनमें सीलेंट फिल किया जाता है। ये काम एक पार्शली ऑटोमेटेड मशीन के थ्रू किया जाता है। इसमें फ्रेम के पीसेज को मैनुअली अलाइन करना होता है और ये उनमें सीलेंट फिल करके रेडी कर देती है। इसके बाद इन फ्रेम के अलग अलग पीसेज को एक साथ इस पंचिंग मशीन पर सेट कर दिया जाता है। और ये मशीन फ्रेम को पैनल के साथ कनेक्ट कर देती है। इसके बाद इस पैनल को आगे भेजा जाता है, जहां इस फ्रेम को मैनुअली चेक किया जाता है कि ये अच्छे से कनेक्ट हुआ है या नहीं।
और इसके बाद आता है सोलर पैनल असेंबली का फाइनल स्टेप, जहां इस पैनल के बैक साइड में जंक्शन बॉक्स को लगाया जाता है सीलेंट की मदद से। अब फाइनली ये सोलर पैनल बनकर रेडी है, लेकिन सीलेंट को सूखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इन पैनल्स को कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि फ्रेम और जंक्शन बॉक्स मजबूती से चिपक जाएं। एक बार जब ये सूख जाता है और मजबूत हो जाता है तो इन पैनल्स की क्लीनिंग का काम शुरू होता है, क्योंकि सोलर पैनल पर काफ़ी जगह पर केमिकल और सीलेंट के निशान हैं तो उनको रिमूव करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि छोटा सा भी निशान पैनल की परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट डाल सकता है। इसके बाद इन पैनल्स को सन सिम्युलेटर मशीन में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। जैसे इस मशीन के नाम से पता लग रहा है, ये बहुत कम टाइम के लिए सन से जितनी पावर चाहिए एक सोलर पैनल को वो प्रोवाइड करती है। इस मशीन के अराउंड जो टेम्परेचर होता है वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, पावर होती है 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर और एयर मास होता है 1.5। ये सोलर पैनल टेस्ट करने की स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं और उसके बाद पैनल ने कैसा परफॉर्म किया उसकी एक टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करती है, जिसमें आईवी कर्व भी होता है। ये टेस्ट रिपोर्ट सोलर पैनल के बैक साइड में स्टिक कर दी जाती है। आपने सोलर पैनल के पीछे ये टेस्ट रिपोर्ट ज़रूर देखी होगी, तो यहाँ से ये रिपोर्ट बनती है। इसके बाद एक फाइनल ईएल टेस्ट दोबारा से किया जाता है, ताकि ये पता किया जा सके कि लेमिनेशन के बाद और टेस्ट रिपोर्ट जनरेट होने तक किसी और इशू की वजह से कुछ क्रैक तो नहीं हुआ है सेल्स में। और फाइनली इसके बाद बैक साइड में ब्रांड लोगो, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और वारंटी कार्ड लगा दिया जाता है। अब पैनल पैकेजिंग के लिए रेडी है। पैकेजिंग के लिए दो दो पैनल्स के सेट बनाए जाते हैं। दोनों के बीच में कार्डबोर्ड शीट लगाई जाती है जो दोनों पैनल्स को सेपरेट करती है, और दोनों कॉर्नर्स पर कार्डबोर्ड बॉक्सेस लगाए जाते हैं ज़्यादा सेफ्टी के लिए। इसके बाद इनको प्लास्टिक रिबन से टाई किया जाता है और लास्ट में इनको रैप करके इनका स्टॉक रेडी कर दिया जाता है। तो ये था एक कंप्लीट प्रोसेस सोलर पैनल्स बनाने का। UTL कंपनी की तरफ से हमें ये पूरा प्लांट कैप्चर करने का मौका मिला और हमने एक एक डिटेल्स आपको दी, किस तरीके से किन किन कंपोनेंट्स का यूज़ होता है, किन किन मशीन्स का यूज़ होता है और कैसे एक सोलर पैनल बन के रेडी होता है। यहाँ से ये सोलर पैनल आप लोगों के डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं उनके पास चले जाएंगे, वो आप लोगों को सेल करेंगे और आपके घर पर ही इंस्टॉल होंगे। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, अगर आपको बढ़िया लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। इसके लिए आपको ये वीडियो शेयर करनी पड़ेगी, व्हाट्सएप पर आप कर सकते हैं, फेसबुक पर कर सकते हैं, जहाँ पर आपका दिल करे वहाँ पर कर सकते हैं। कोई सवाल अगर अभी आपका रह गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी टाइप की वीडियोस बनाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।